आपली अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड चंद्रपूरचे चेअरमन, नगरसेवक, गटनेता, माजी सभापती आणि शिव स्वाभिमानी बहुउद्देशीय संस्था तुकुम चंद्रपूरचे अध्यक्ष माननीय श्री सुरेशभाऊ पचारे यांना पंकज आनंदवार, सुजित पेंदोर, गौतम नागदेवते, चंद्रप्रकाश गौरकार, सचिन बोरसरे, सुरेश वनकर, निलेश भटकर, रोशन काळबांधे, कुणाल गोंडे, सौ अश्विनी भूषण बावने, सौ प्रणिता परागमुळे यांच्याकडून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। नमस्कार, मैं हूँ विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। आइए देखते हैं आज की विशेष रिपोर्ट। 6 साल 3 महीने और 4 दिन बाद चंद्रपुर में फिर से दारू बिक्री शुरू। लोगों में हर्षो उल्लास का माहौल। चंद्रपुर की व्यवसाय स्थिति ठीक होने के आसार। आज दिनांक 5 जुलाई 2021 को आखिरकार चंद्रपुर के लोगों की जैसे प्रतीक्षा का वनवास खत्म हो गया और एक बार फिर चंद्रपुर के बार और रेस्टोरेंट में दारू बिक्री शुरू हो गई, जिसका माहौल देखने लायक ही बनता था। जहां वहां मत प्रेमियों का जमावड़ा और खुलेआम सस्ती दारू खरीदने की खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। कुछ बार के सामने तो दारू प्रेमी नाचते झूमते भी नजर आए। आज से ठीक 6 साल 3 महीने और 4 दिन पहले दिनांक 1 अप्रैल 2015 को उस वक्त के वित्त मंत्री और चंद्रपुर के पालक मंत्री श्री सुधीर भाव मुनगंटीवार उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए चंद्रपुर जिले में औद्योगिक जिला होने के बावजूद दारूबंदी का निर्णय लिया और जैसे रातोंरात चंद्रपुर के हालात और व्यवसायियों की किस्मत ही पलट गई। चंद्रपुर जिला कोयला खदान और जंगल में दिखने वाले शेरों की वजह से संपूर्ण महाराष्ट्र और देश में प्रसिद्ध है और यह दोनों व्यवसाय किसी ना किसी तरह से दारू पर निर्भर थे, क्योंकि मजदूर अपनी थकान मिटाने दिन भर के काम के बाद दारू का सहारा लेता था। वही अपनी छुट्टियां मनाने और शेर देखने आए पर्यटकों को अपने मनोरंजन के लिए दारू की जरूरत पड़ती थी। मगर जैसे ही चंद्रपुर जिले में 1 अप्रैल 2015 को दारूबंदी घोषित हुई, चंद्रपुर जिले से बाहरी गाँव के मजदूरों का पलायन शुरू हो गया और चंद्रपुर जिले के सारे होटल खाली हो गए। पर्यटन के लिए या व्यवसाय के लिए आने वाले प्रवासी नागपुर में रुककर चंद्रपुर में काम करना पसंद करने लगे और इससे संबंधित सारे ही कामों पर इसका असर पड़ते गया और धीरे धीरे 6 साल में चंद्रपुर जिला मानव व्यवसाय की दृष्टि से 15-20 साल पीछे चला गया। एक तो वैसे ही संपूर्ण भारतवासी नोटबंदी और GST की मार सहन कर रहे थे, उस पर चंद्रपुर वालों के लिए दारूबंदी यानी करेला और नीम चढ़ा वाला हो गया। इतना ही नहीं, चंद्रपुर में अवैध दारू और ड्रग्स की बिक्री इतनी बढ़ गई कि अगले चुनाव में दारूबंदी एक मुद्दा बन गया और कांग्रेस के नेताओं ने कई जगहों पर सत्ता में आने के बाद दारूबंदी हटाने का ऐलान भी किया। महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने से अंततः पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार और सांसद सुरेश उर्फ बालू धानोरकर के प्रयत्नों से 6 साल 1 महीना 26 दिन बाद 27 मई 2021 को दारूबंदी उठाने की महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने विधिवत घोषणा की, जिसके बाद चंद्रपुरवासी दारू बिक्री शुरू होने की राह देख रहे थे और उनका वह इंतजार और वनवास आज खत्म हुआ। पार्थशर समाचार ने आज कई बार एंड रेस्टोरेंट का बाहर से जायजा लिया और कुछ मजेदार सीन आपके लिए कैमरा में उतारे। आइए देखते हैं कैसा रहा दारू बिक्री का 6 साल 3 महीने और 4 दिन का चंद्रपुर का पहला दिन। मस्त पेन बाइसुकल पैसे ना देईन नमस्त दारू पेन फक्त भाजीपाला आणीन ना तुझ्या डोक्षार मारीन तिकट मीठ ना आनो तेल तीन घेईन खावाचा माझं खावाचा तेल महाग होऊन गेला आहे। दोनशे दहा
आज आता है तुमच्या हातामध्ये पडली तुम्हाला म्हणजे कसं वाटत आहे वगैरे कटा काही फरक वगैरे काही आम्ही पैसा नाही ना दारू मग हे घेतलं कोणाचा ते म्हणून घेतो नाही तुझी ना घेतली खुशीचे नाही म्हणजे पिणार म्हणजे तुम्हाला तुमच्या हातामध्ये म्हणजे तुम्हाला कसं वाटत आहे तुम्हाला एक चांगला वाटत आहे 70 मध्ये भेटत आहे एक मोठा पोवा लहान पोवा गेलो 80 रुपये घेत होता आहे लाख मंदी आता हा आम्ही 70 मध्ये खुले आम चांगला वाटत हे किती जण आले हे होते दोघ जण जेवण वगैरे जेवण बिवण चांगला होते चांगला आणि शुद्ध धरू शुद्ध धन्यवाद राजीरा नाका नंबर 3 देख सकते हो आप मजमा पहिले दिन अंदर का जाने का कैसा लग रहा है चंदूपुर में ऐसे दारू चालू हुई वापस से ओके लिए भी है ये आपने ये सिद्धार्थ सिद्धार्थ होटल सिद्धार्थ से लिया अरे क्या बोलते हैं नमस्ते चालू की ना चालू चालू की चंद्रपुर की दारू 5 जुलाई 2021 सिद्धार्थ समय 3:30 सिद्धार्थ से हमने दारू खरीदी आगे पीछे पूरी दिखाओ आगे पीछे पूरी भाई कैसा लग रहा है अच्छा चनूपुर में दारू चालू हो गई अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है सबसे पहले बात को धन्यवाद देना चाहिए कि जो जवान दिया वो पूरा किया उन्होंने ओके भाई कैसा लग रहा है अच्छा चनूपुर में दारू चालू हो गई दूसरा राउंड है और बिना ब्लैक में खरीदने मिल रहा तो कैसा लग रहा है वही तो 250 तो जा रहे हैं हाँ सिर्फ तुम्हारे पास में माल है बाकी कहीं भी माल ही नहीं है अब कल परसों में जब होगा विक्री चालू करे
आशा है कि आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। हमें आपके कमेंट्स और सुझाव का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर इंग्लिश में पार्थचर समाचार लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप फेसबुक पर भी पार्थचर समाचार पेज को लाइक करके हमसे जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए 7709032035 पर ऐड में ऐसा संदेश भेज सकते हैं। तो देखते रहिए पार्थचर समाचार, सत्य परमो धर्म। धन्यवाद। अभी चंद्रपुर में जो है नया चैनल स्टार्ट हुआ है हमारे नायडू जी का पार्थ समाचार, बड़ी अच्छी बात है। इनके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि ये जर्मनीज हमको पहुँचाएंगे और ये तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच।